हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको अमेजॉन क्लोन में जो फ्रंट एंड है उसमें आपको योर अकाउंट वाला जो पेज है वो आपको कैसे बनाना है, जो कि आपका एडमिन पैनल होगा। जैसे यूजर लॉग इन करेगा तो उसके सामने योर अकाउंट वाला पेज आएगा और वहीं से वो देख पाएगा कि उसने कौन से प्रोडक्ट के ऑर्डर किए हैं, उन्हें आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर पाएंगे। अगर आप सेलर है तो वहीं से आप प्रोडक्ट अपने ऐड कर पाएंगे, सारा काम वहीं से होगा योर अकाउंट वाले पेज से। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे, और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो है लॉगिन का एपीआई और ये सब नहीं किया, जो कि मैं आप कुछ वीडियो बाद ही जो करने वाला हूं, तो उससे पहले जो है मैं इसको सेटअप कर लूंगा, क्योंकि लॉगिन के बाद मुझे योर अकाउंट वाला पेज दिखाना है। तो सबसे पहले आपको अपने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना होगा, जो फ्रंट एंड वाला कोड है रिएक्ट जेएस का, उसमें इसमें आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर सोर्स वाले फोल्डर के ऊपर कंपोनेंट्स में आना होगा और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया योर अकाउंट, और इसके अंदर सेम वही काम करना है आपको। एक क्लास कंपोनेंट बनाइए, एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा, फंक्शनल में जो हम लोग एचटीएमएल का कोड डाल देंगे जो कि हम लोग का व्यू बनेगा, और क्लास कंपोनेंट में क्या होगा कि जो भी अगर हम लोग रिडक्स का यूज करेंगे या कुछ और भी यूज करेंगे स्टेट का तो वो वहां पे रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे योर अकाउंट पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर आपको नया फाइल बनाना है तो इस पर क्लिक करिए, नया फाइल बन जाएगा। इसका नाम मैंने रखा योर अकाउंट और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंटेनर डॉट जेएस। उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा योर अकाउंट व्यू डॉट जेएस। इसके अंदर आना है व्यू डॉट जेएस में, यहां पे आपको लिखना होगा आरएफसी फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के लिए रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, एंटर दबाना है, बन जाएगा। इतना हिस्सा करिए कट, एंटर दबाइए, सीटीआरएल वी दबा के पेस्ट करिए, ये कंपोनेंट का नाम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको योर अकाउंट कंटेनर में आना है, यहां पर आपको लिखना है रिएक्ट क्लास कंपोनेंट आरसीसी, एंटर दबाइए, ये बन जाएगा। यहां से इसको करना है कट, यहां पर नीचे आना है और उसको पेस्ट कर दीजिए जो आपने कट किया। यहां पर ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कंपोनेंट का नाम है इसे करना है कॉपी, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, ये आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो व्यू आपने बनाया है योर अकाउंट व्यू, उसको आपको इसमें लिंक करना होगा कंटेनर में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट योर अकाउंट व्यू, लिखेंगे फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमा डॉट फॉरवर्ड स्लैश, नाम आ गया, सेलेक्ट करिए। और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अब आपको एचटीएमएल का जो कोड है वो आपको लेके आपको यहाँ पे लगाना होगा, और वो एचटीएमएल कोड आपको मिलेगा जो मेरा थीम डिजाइन प्लेलिस्ट था उसमें आपको योर अकाउंट डॉट एचटीएमएल फाइल में जाना है, वहां पे आपको कोड मिलेगा। तो अभी हम लोग जो इसी वीडियो में उसको कॉपी पेस्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरा योर अकाउंट कंटेनर है वहां पे मैं क्या करूंगा कि इसको यहां से मैं रिमूव करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा योर अकाउंट व्यू ये, और जो भी प्रॉप्स होंगे उसे हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया इस तरीके से, मैंने लिख दिया प्रॉप्स, और हम लोग यहाँ पर वो कर लेते अपना जो कंस्ट्रक्टर होता है वो बना लेते। तो मैंने ये प्रॉप्स लिख दिया, ये मैंने एंटर दबाया, यहाँ पे मैंने लिखा सुपर, यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉप्स ये। उसके बाद मैंने दिस डॉट स्टेट लिख के स्टेट भी बना लिया। अगर मैं इसमें कोई भी स्टेट यूज करूंगा तो उसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जो कि मैं फिलहाल नहीं बना रहा हूँ। और ये मैंने ये कर दिया, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो थीम डिजाइन प्लेलिस्ट का कोड है उसमें आपको जाना है, और फिर आपको यहाँ पे जो है दिखाई देगा एक फाइल जिसका नाम होगा योर अकाउंट, ये आप देख सकते हैं योर अकाउंट डॉट एचटीएमएल। इस फाइल के अंदर आपको कोड जो है कॉपी पेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा योर अकाउंट कोड स्टार, ये कमेंट आपको मिलेगा, आपको यहां से जो कोड है वो करना है कॉपी, सेलेक्ट करना है, नीचे तक चलते चले जाइए, और जहां पे योर अकाउंट एंड्स हो रहा है यहां पे आके जो रुक जाना है, कोड को कॉपी करना है, अपने रिएक्ट जेएस वाले कोड में वापस जाना है, व्यू जो है आपका बना हुआ उसमें आना है, डिव टैग के अंदर पेस्ट कर देना है, सीटीआरएल ए दबाइएगा और राइट क्लिक करिएगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करिएगा, तो कोड का फॉर्मेटिंग जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अभी भी कई जगह पे फॉर्मेटिंग सही नहीं होगा क्योंकि आपके कोड में कई सारे एरर है, उन्हें आपको रिमूव करना होगा। तो सबसे पहला एरर जो है ये जो आपने ये कमेंट लिखा है एचटीएमएल का, ये इस तरीके से आप नहीं लिख सकते रिएक्ट जेएस में, और यहां पर जो हम लोग कोड लिख रहे हैं ये आपका जेएसएक्स है, तो इसमें आप ऐसे कमेंट नहीं लिख सकते, आपको इसे जो जावास्क्रिप्ट में जो कमेंट लिखने का तरीका होता है वो करना होगा। तो आपको क्या करना है, आप इसे सेलेक्ट करिएगा, यहां से करना होगा कट, यहां पे लाके डाल दीजिएगा सबसे पहले, ये जो एक्स्ट्रा डिव टैग है उसे मैं यहां पे हटा दूंगा, और यहां पर मैंने सीटीआरएल जो है दबाया और फॉरवर्ड स्लैश दबाया, ये देखिए कमेंट ऐसे बन गया।
इसको सेलेक्ट करिए, CTRL फॉरवर्ड स्लैश दबाइए, कमेंट बन जाएगा। नीचे की तरफ एक बार चलिए, ये जो कमेंट आपने लिखा था इसे यहाँ पे कट करिए, यहाँ पे डाल दीजिए, इस वाले टैग को रिमूव कर दीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, CTRL फॉरवर्ड स्लैश दबाइए, शॉर्टकट की है कमेंट में कन्वर्ट करने का, यहाँ पे एंटर दबाना है, सेलेक्ट करना है CTRL फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट बन गया। और देखिए कहीं पर कमेंट है क्या, नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो क्लास लिखा है इसको आपको क्लास नेम में बदलना होगा। तो एक क्लास के ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद CTRL D दबाइए, और तब तक दबाते रहिए जब तक सारे क्लास सेलेक्ट नहीं हो जाते। CTRL D दबाते रहिए और ये नीचे तक जो चाहता रहेगा, ये मैंने सारे क्लास सेलेक्ट कर लिए CTRL D दबा के। उसके बाद आपको बैक स्पेस दबाना है, आपको लिखना है क्लास नेम, और ये जो आपका क्लास क्लास नेम में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए बिल्कुल सही हो गया। अब जो हम लोग क्लास नेम जब कन्वर्ट हो गया, तो CTRL A दबाइए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, कोड का जो फॉर्मेटिंग है वो सही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो स्पेस है इसे हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। ये मेरा काम जो है कम्प्लीट हो गया। अब हम लोग जो इस कोड को चला कर देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग अपने जो है इसमें जाएंगे कोड में, और कोड में जाना है आपको app.js में। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपना जो कंपोनेंट है, जो कंटेनर, उसे आपको यहाँ पे लिंक करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एंटर दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे योर अकाउंट कंटेनर फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश, कंपोनेंट्स फोल्डर में जाना है फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर ये ट्रांसलेशन हो गया, कंपोनेंट्स फोल्डर में आपको जाना था फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपका योर अकाउंट था फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपका जो कंटेनर था वो था, और यहाँ पर सेमी कॉलन अगर आप चाहे तो लगाए, चाहे तो ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इसी तरीके से जो है एक बनाना होगा, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इसको कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे एडमिन पैनल। आप चाहे तो यहाँ पे योर अकाउंट भी लिख सकते थे, ये मैंने योर अकाउंट भी अगर मैं इस तरीके से लिखता तो भी हो जाता। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि ये आपको करना है कॉपी, यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ये मैंने प्रॉप्स पास कर दी जो ट्रांसलेशन में यूज होंगे, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आपको ये जो राउट है इसको आपको यहाँ से करना है इस तरीके से कॉपी, एंटर दबाना है, पेस्ट करना है, यहाँ पे एग्जैक्ट में आपको लिखना होगा, एग्जैक्ट में नहीं आपको पाथ में लिखना होगा योर अंडरस्कोर अकाउंट। तो मैंने ये लिखा, अगर URL में लिखा होगा फॉरवर्ड स्लैश योर अकाउंट तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो लोड कर दो। अब यहाँ पे जो मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश योर अकाउंट लिखा, यहाँ पे आप जो चाहे वो आप लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने जरा वेब ब्राउजर पे चलते हैं, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। मेरा जो वेब सर्वर है पहले से रन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अपने एड्रेस बार में लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश योर अंडरस्कोर अकाउंट, एंटर दबाऊंगा, और ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया है वो हम लोग देखते हैं। तो ये बता रहा है कि देखिए आपका जो प्रॉप्स है उसमें कुछ गड़बड़ है, और ये आपको यहाँ पे एक चीज और देखना होता है कि फाइल नेम कौन सा बता रहा है। ये देखिए फाइल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है योर अकाउंट कंटेनर में आपका जो लाइन नंबर 16 पर ये कुछ गड़बड़ है। तो हम लोग जब अपने कोड में चलते हैं वापस, रिएक्ट जेएस वाले में जाना है, योर अकाउंट कंटेनर डॉट जेएस में आएंगे, लाइन नंबर 16 यहाँ पे, अब इसी के आस पास ही जो है गड़बड़ कुछ होगा। तो हम लोग देख सकते हैं प्रॉप्स यहाँ पे लिखा हुआ, तो उसके साथ आपको दिस लिखना था, दिस डॉट प्रॉप्स आपको लिखना था। अब वापस चलते एक बार, और ये देखिए पेज आपका आ गया, लिखते ही देखिए तुरंत पेज जो है यहाँ पे बन के आ गया। तो ये देखिए आपका जो यहाँ पे योर ऑर्डर्स वाला ऑप्शन आ गया, पासवर्ड चेंज आ गया, योर एड्रेस आ गया, सेलर अकाउंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर जो है एक चीज आपको और ध्यान रखना है, अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा मैंने इस तरीके से लगा दिया यहाँ पे ऐसे करके, इसको भी मुझे आगे की वीडियो में चेंज करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही लगा के रख दूंगा तो क्या होगा कि कोई व्यक्ति लॉगिन होगा या नहीं होगा, बिना लॉगिन के भी वो मेरे पेज को विजिट कर पाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसे मैं आगे के वीडियोस में सही करूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो हम लोग के पास URL होता है, इस चीज को इसको हम लोग दो कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है गेस्ट राउट, दूसरा होता है प्राइवेट राउट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख के बताता हूँ आपको कि आपके पास एक होता है गेस्ट राउट और दूसरा है ये राउट ऐसे होगा, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट राउट। गेस्ट राउट वो राउट होते जिन पर कोई भी विजिट कर सकता है बिना लॉगिन के, और प्राइवेट राउट वो होते जिन पर आप बिना लॉगिन के विजिट नहीं कर सकते। अब आप जो है CTRL शिफ्ट और K दबाएंगे तो इससे जो आपका वेब कंसोल ये ओपन हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर में। अगर आप चाहे तो राइट क्लिक करिए कहीं भी खाली जगह पर, और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करिए, कंसोल पे क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो हम लोग जो इन एरर्स को सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे।
तो एक एरर जो है वो हम लोग की स्टोर से जुड़ा हुआ है, रिड्यूसर से जुड़ा हुआ है, रिडक्स से, तो इसको फिलहाल हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जो है कुछ वीडियो बाद ये एरर गायब हो जाएगा। हम लोग इस वाले को एरर को देखते हैं। ये कह रहा है कि आपके नैव बार व्यू वाले फाइल में जो है एक आपने इनपुट फील्ड यूज किया जिसमें आपने वैल्यू लगाया है, वैल्यू प्रॉपर्टी दिया है, और उसमें जो आपने ऑन चेंज हैंडलर नहीं लगाया है। अगर आप चाहे तो ऑन चेंज हैंडलर की जगह पर आप क्या कर सकते हो, उसे रीड ओनली कर दीजिए, ये कह रहा है। तो ये एरर जो है, और दरअसल ये एरर नहीं, एक वार्निंग है जो कि रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसको सबसे पहले ठीक करते, तो अपने कोड में आपको चलना होगा और यहां पर आपको ओपन करना होगा जो आपको लेआउट में जाना है, नैव बार में जाना है, नैव बार व्यू में आपको जाना होगा। यहां पे आप सर्च करिए सबसे पहले CTRL F दबा के कि आपने इनपुट टैग कहाँ पे यूज किया। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है, तो इसमें सबसे पहला जो इनपुट टैग लगा है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनपुट टैग है इसमें देखिए हम लोगों ने वैल्यू लिखा, यहाँ पर ID क्वेरी और वैल्यू ये लिखा है, तो उसमें हम लोगों ने ऑन चेंज लगाया, तो इससे जो है एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे एक इनपुट टैग आप देख पाएंगे जिसमें हम लोगों ने कैटेगरी लिखा, ID में वैल्यू लगाया, ये एक हिडन इनपुट टैग है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ऑन चेंज नहीं लिखा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रीड ओनली आपको लिख देना है, इसको सेव कर लीजिएगा, वापस चलेगा वेब ब्राउजर पे, पेज को रिफ्रेश करिएगा एक बार, तो आप देखेंगे वो वाला जो एरर है वो अब आपका रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो फिर से आ रहा है वार्निंग, या किसी दूसरे में आ रहा है, तो वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे आपको वही देखना है कि कौन सा फाइल ये बता रहा है, कह रहा है नैव बार व्यू में आ रहा है, इसमें आपको चेक करना है। और फिर जो हम लोग फाइल को चेक करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो हम लोग अपने कोड में वापस चलेंगे वापस, और फिर वही नैव बार व्यू में आना, यहाँ पे इनपुट लगाई हुआ है, यहाँ पे एंटर दबाइए, इसमें देखिए आपने वैल्यू के साथ ऑन चेंज लगाया है तो लगा हुआ है। अगर केवल वैल्यू लगा हुआ जैसे आपने यहाँ पे देखा, और ये जो हिडन था, ये एक हिडन आपका इनपुट फील्ड है, तो इसमें हमें ऑन चेंज लगाने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे रीड ओनली लिख दिया वैल्यू के साथ, तो ये चीज ठीक हो गया। अब फिर से एंटर दबाते, कहीं और इनपुट टैग लगा, देखिए यहाँ पे लगा है, और यहाँ पर जो है वैल्यू भी लगा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ऑन चेंज की जगह ऑन क्लिक वाला इवेंट हैंडलर यूज किया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक की जगह ऑन चेंज कर देंगे, और ये जो आपका रेडियो बटन है जिसके द्वारा हम लोग लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं, तो आप जो है एक ऑन क्लिक पे क्लिक करिएगा, CTRL D फिर से दबाइएगा, तो आपकी जो चार लैंग्वेज थे चारों के ऑन क्लिक सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन चेंज, सेव कर लीजिएगा कोड को, वापस चलेगा वेब ब्राउजर पे, पेज को एक बार रिफ्रेश करिएगा, तो आप देखेंगे कि देखिए आपका एरर जो था वो भी रिमूव हो गया। अब यहाँ पर जो स्टोर वाला सिर्फ जो आपका एरर बचा, ये एरर नहीं है, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, ये एरर नहीं है, वार्निंग्स है, इन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं, पर नियम ये है कि आपको जो है अपना जो कंसोल होता है आपको ये पूरा का पूरा खाली रखना होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर या वार्निंग कुछ भी ना, ये आपको पहले से चेक कर लेना होता है, ये आपको जो है क्लियर करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये बता रहा है navbarview.js में, देखिए यहाँ पे ये href attribute में जो है वैल्यू ये है, ये सब हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ बता रहा है, देखिए लाइन नंबर 90 जो है उस पर आप देखिए यहाँ पे ट्रिपल इक्वल की जो है उम्मीद की गई थी, लेकिन आपने जो है दो बार इक्वल लगा दिया, तो हम लोग देखते हैं कि ये चीज जो है कहाँ पे हो रहा है। तो लाइन नंबर 90 आपको देखना होगा, और जो फाइल का आपका नेम है वो आपका navbarview.js, तो हम लोग देखते हैं लाइन नंबर 90 पर क्या है। अपने कोड में वापस चलते हैं, लाइन नंबर 90 आपके पास ये है, यहाँ पे हम लोग ने ये लगा, यहाँ पे हम लोग ट्रिपल इक्वल कर देते हैं, तो ये मैंने ट्रिपल इक्वल कर दिया, इसको मैंने ट्रिपल कर दिया, इसको भी मैंने जो है ट्रिपल कर दिया यहाँ पर, और इसको भी मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल कर दिया। अब जो है वापस चलते पेज पर एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पाएंगे ट्रिपल इक्वल वाला जो वार्निंग था वो गायब हो चुका है, HRF वाला अभी भी आ रहा है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, तो जो आपके वार्निंग्स आए थे उन्हें मैंने रिमूव कर दिया। अब जरा हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर, एक बार जो ट्रांसलेशन चेंज करके चेक करते हैं क्या चीजें काम कर रही है या नहीं। तो आप देखिए चीजें जो है बिल्कुल काम कर रही है सही तरीके से, आप ये देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम लोग अपने सारे जो वार्निंग थे उन्हें रिमूव कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज सिलेक्शन वाला यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जब आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका कलर आ रहा था पहले भरा हुआ फिल हुआ वो अब नहीं आ रहा, तो उसको वापस करने के लिए क्या करना है, जो आपने ट्रिपल इक्वल लगाया उसे डबल इक्वल कर लीजिएगा। तो हम लोग कोड में चलते हैं, यहाँ पर जाएंगे, ट्रिपल इक्वल को सेलेक्ट करेंगे, CTRL D दबाना है और दो बार इस तरीके से कर दीजिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, पेज पर चलिएगा, रिफ्रेश करिएगा, आपका जो है वापस यहाँ पे आ जाएगा, सारी चीजें काम करने लगेंगी। और जब आप कंसोल को ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट क्यू पे किया, कंसोल पे क्लिक किया, तो ट्रिपल इक्वल वाला जो आपका यहाँ पे ये वार्निंग आ रहा है इसको आने दीजिएगा,
और जो बाकी चीज़ें वो बिल्कुल आपके सही से वर्क करेंगी। तो हम लोग का जो है योर अकाउंट का जो सेटअप था वो हो गया, ये आप देख सकते हैं मैंने लिखा योर अकाउंट यहाँ पे और एंटर दबाया तो योर अकाउंट आ गया। अब इसके बाद हम लोग अपने आगे के वीडियो में देखेंगे कि आपको रजिस्टर जो है यूज़र को कैसे करना है, फिर लॉगिन कैसे करना है, एपीआई कॉल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आगे के वीडियो में देखेंगे। और इसमें जो ट्रांसलेशन लगाने का काम है वो भी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग ने जो भी कोड लिखा है उसे हम लोग अपने गिटहब पे पहुंचा देते हैं। तो अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको बताया कि देखिए इन फाइल में चेंजेस किए गए, प्लस पे क्लिक करना है, गिट ऐड वाला कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो कमिट करना होगा गिट में आपको मैसेज लिखना है, तो मैंने कहा योर अकाउंट पेज एडेड, फिर आपको यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, पुल पुश पे जाना है, फिर आपको पुश टू पे क्लिक करना है, यूआरएल सेलेक्ट करना है, गिटहब पे मेरा सारा कोड जो है यहाँ से पहुंच जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरा कोड यहाँ पे जा रहा है। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं, ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।